बेमेतरा जिले में 8,462 किसानों का टोकन मिलने के बाद भी धान खरीदी नहीं हो पाई है। ऐसे में बीते रात को हुई जमकर बारिश और ओले से धान भीग गई है, जिससे किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में बेमौसम बारिश से किसानों का धान बेचना मुश्किल हो गया है। जिन्हें से नुकसान भी हुआ है, कई जगह कर्ज भी रहे, उससे नुकसान ही हुआ है। और यहाँ तो पानी भर गया है और पानी से जो छिंजा हुआ फसल है, दाना उसमें पका हुआ, इसमें जरई आने का संभावना है। तो अभी अगर देखे बारिश की स्थिति, तो केवल अरहर ही एक ऐसा फसल है जो फ्लावरिंग और पार्ट फॉर्मेशन की स्थिति में है, तो थोड़ा बहुत जो भी नुकसान होगा वो आकलन का विषय, तो अरहर क्रॉप में होगा, बाकी सारे फसल को फायदा मिलता है।